प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया लव जिहाद कानून। बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, मोहब्बत से बैर नहीं, धोखेबाजों की खैर नहीं। धोखेबाजी से शादी करने वालों को होगी 10 साल की सजा। बंगाल के बाद मिशन पूर्वोत्तर पर निकले गृह मंत्री अमित शाह, स्थानीय जनजातीय समूहों से करेंगे चर्चा। पूर्वोत्तर में बीजेपी को अपने दम पर खड़ा करने का प्रयास। फिलहाल पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में बीजेपी के सहयोग से चल रही सरकारें। किसान कानून पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना। बोले, कड़कड़ गूंज रहा है, सरकार को सुनना ही होगा। ट्वीट किया आंदोलनरत किसानों का वीडियो। कृषि कानूनों पर कांग्रेस और बीजेपी में बड़ी तकरार। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी को दी खुली बहस की चुनौती। बोले, कृषि कानूनों के नाम पर किसानों को बरगला रहे राहुल गांधी। आज से खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश में प्रधानों का कार्यकाल। एडीओ होंगे गांव के प्रशासक। अगले साल मार्च में चुनाव कराने की तैयारी में जुटा प्रदेश चुनाव आयोग। कोरोना के कारण नहीं हो पाए समय पर चुनाव। संसद भंग किए जाने पर ओली सरकार को अदालत ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। न्यायालय ने सदन को भंग करने के लिए सरकार द्वारा की गई सिफारिशों और उन्हें मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के आदेश की मूल प्रति भी 10 दिनों के भीतर पेश करने का दिया आदेश। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। कार से श्रीनगर जा रहे दो आतंकवादियों को सेना के जवानों ने किया गिरफ्तार। जब्त किया भारी गोला बारूद। किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की जुगाड़ में थे आतंकी। कोरोना के आगमन के बाद पहली बार मुंबई की धारावी में नहीं मिला कोरोना का एक भी पेशेंट। कुछ दिन पहले ही मुंबई में कोरोना का हॉटस्पॉट थी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी। सरकार के प्रयासों को अब जाकर मिली सफलता। शिवसेना नेता संजय राउत की कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों से अपील, एक साथ आकर तानाशाही सरकार से करें मुकाबला। किसान कानून पर एकमत हो विपक्ष, सरकार पर बनाए दबाव। 2.5 FSI के साथ मुंबई की पहली इमारत का पुनर्निर्माण शुरू। MLA गणेश नाइक ने किया दत्तगुरु सोसाइटी का भूमि पूजन। स्थानीय नागरिकों ने जताया आभार। 2.5 FSI का इतिहास तुम्हारा सगळ्यांना माहिती आहे, मी त्याच्यात पुनरावृत्ती करू इच्छित नाही, परंतु त्या कालखंडामध्ये त्याची सगळी कागदपत्राची पूर्तता झाली। परंतु माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या कालखंडात मुख्यमंत्री असताना त्यांनी 2.5 FSI मंजूर केला। शेवटी तो मान त्यांना मिळाला, कोणाला? देवेंद्रजी फडणवीसांना। आणि त्याचाच पुढचा भाग म्हणून आता महानगरपालिकेने ज्या ठिकाणी सर्व गोष्टींची पूर्तता होते अशा सोसायट्यांना CC देण्याचं काम सुरू केलेलं आहे। नवी मुंबईमधली 2.5 FSI सह निर्माण होणारं आणि ज्याचं फाउंडेशन झालं असं, म्हणजे काही अन्य काही लोकांना मिळाले असेल, परंतु काही ना काही अजून CC मिळण्याकरता प्रॉब्लेम असू शकतील, परंतु ह्या ठिकाणी परिपूर्ण परवानग्या घेऊन या ठिकाणी कामाला सुरुवात होत आहे। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।